नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा सात इतिहास पुस्तक के पांचवें अध्याय का कुछ अध्ययन किया था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो कुछ शेष रहा है इस अध्याय में उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने कहाँ तक अध्ययन किया था, यानी शासकों के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए उनका हमने अध्ययन किया था। मंदिर, मस्जिद, भवन निर्माण कला थी, उसके बारे में हमने जाना है ना, और भोज वगैरह जो निर्माण करवाए थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया था आपको, देखिए तालाबों का निर्माण करवाते कभी कभी कि मंदिर मस्जिद है ना, उसके पास किसी हौज वगैरह का निर्माण करवाते थे। अब अगला जो हमारा बिंदु है, टॉपिक है, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, तो इस बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। यानी इनका निर्माण करवाने का उद्देश्य, मंदिरों का निर्माण करवाने का जो उद्देश्य था शासक का, वो क्या था? देखिए, अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा का परिचय देने के लिए करवाते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। यानी ये बात हमको अचंभित करती है, जब एक तरह से उनको निर्माण कार्य करवाने का परिचय हम प्राप्त करते हैं, तो ये बात हमको अचंभित करती है जब उन्होंने एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए जैसे धावा बोला, आक्रमण किया, तो इन इमारतों पर निशाना साधा। यानी इन इमारतों को एक तरह से उन्होंने निशाना बनाया। नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया, यानी उसको एक तरह से हरा दिया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु का इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है, यानी उसने उसके बारे में कुछ लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, यानी आक्रमण करके विजय प्राप्त करके जो वस्तुएं थी बहुमूल्य, बहुत कीमती बेशकीमती, उनको वहाँ से ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध मूर्ति, यानी एक महल था उसमें बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी, और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया, यानी एक तरह से उनको वो ले गया। ठीक है, सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। यानी एक तरह से मंदिरों से, मठों से भगवान की मूर्तियों को भी उठा करके ले गया, और इससे जो वहाँ के शासक को एक तरह से आत्मसम्मान को जो झटका लगा था, एक तरह से गहरा दुख उसको हुआ था, उसका बदला लेना भी स्वाभाविक था। ठीक है, अगले सिंघली शासक ने, यानी श्रीलंका के जो अगले जो शासक थे, जिसको सिंगल द्वीप कहते हैं, लंका को क्या कहते हैं, सिंगल द्वीप कहा जाता है, उसके जो अगले शासक हुए सैनदित्य ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यानी जो अगला जो शासक हुआ सैनदित्य, उसने क्या किया, जो अपना जो सेनापति था उसको पांड्यों की राजधानी थी, यानी पहले पांड्यों ने सिंगल द्वीप पर आक्रमण किया, जब सैन प्रथम का यह प्रशासन था और वो बहुत सारे यहाँ से धन संपदा लूट ले गया, भगवान की मूर्तियों को उठा ले गया, जब अगला शासक यहाँ पर सैनदित्य हुआ तो उसने पांड्यों की राजधानी जो क्या थी मदुरई, उस पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। यानी यहाँ से जो बुद्ध की मूर्तियाँ ली जाई गई थी उनको ढूंढना और उनको वापस लाना, इसके बहुत प्रयास किए गए। ठीक है, इसी तरह 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। यानी मंदिर का निर्माण करवा करके उसमें बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई गई, और वो प्रतिमाएं कौन सी थी, यानी जो शासक थे उससे हार गए थे, उसने जिन शासकों विजय प्राप्त कर ली थी उन शासकों से लूट करके लाई गई जो मूर्तियाँ थी उनको इस मंदिर में लगवा दिया। ठीक है, एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी, चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति, एक दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, ठीक है, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप,
तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, यानी ये मूर्तियाँ उसने अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त करके प्राप्त की थी और इन मूर्तियों को इस मंदिर में इस तरह से उसने लगवाया। ठीक है, आगे देखिए, गजनी का सुल्तान महमूद जो था राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, यानी उसके समय इसका शासन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, यानी ये जो सुल्तान था सुल्तान महमूद, ये एक तरह से भारत में आया, इसने आक्रमण किया और जो यहाँ के मंदिर थे उनको अपवित्र इसने कर दिया। ठीक है, तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया गया। उस समय सुल्तान महमूद को कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का जो गुजरात का जो मंदिर है उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी अपने आप को एक इस्लामी योद्धा के रूप में इसने प्रदर्शित करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर क्या करते थे। एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करते थे, आक्रमण करते थे, है ना, अपने से कमज़ोर पर, तो वो एक तरह से वहाँ पर मंदिर और मस्जिदों में अधिक लूटपाट किया करते थे। जो संस्कृति के जो केंद्र थे, आस्था के जो केंद्र थे, उपासना के जो स्थल थे, उन पर आक्रमण करते थे और उन्हें लूट लेते थे। ठीक है, अब देखिए, बाग, मकबरे तथा किले, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई, यानी जब मुगलों का शासन एक तरह से स्थापित हुआ, जो वास्तुकला थी, भवन निर्माण की जो कला थी, और अधिक जटिल हो गई, यानी कठिन हो गई है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे, यानी इनकी वास्तुकला में एक तरह से भवन निर्माण में, है ना, मस्जिद निर्माण में, एक तरह से मकबरे निर्माण में बहुत अधिक रुचि थी। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है, यानी जो अपनी रुचि थी उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, यानी ये जो दीवार बनाए गए इनके चारों तरफ एक तरह से बाउंड्री वाल, सुरक्षा दीवार की जाती थी, तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। ठीक है, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे, यानी बागों को चार बराबर भागों में बांटा जाता था और इसी वजह से इनको क्या कहते थे, चार बाग। ठीक है, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी, यानी ये जो परंपरा है, जो एक तरह से ये कब शुरू हुई थी, अकबर के समय। ये देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये है और इसको चार भाग किए गए हैं, देखिए समकोण पर, तो ये चार बाग प्रथा है और ये सब शुरू कब हुई थी, अकबर के समय। ठीक है, कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया, इनके द्वारा चार बागों का निर्माण अधिक करवाया गया। ठीक है, अब देखिए, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, यानी वास्तुकला में एक तरह से प्रयोग जो थे वो हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली, यानी जो इसके पूर्वज थे अकबर के, एक तरह से तैमूर, उसने जो मकबरों का निर्माण करवाया उससे इन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की, उससे एक तरह से इन्होंने प्रेरणा ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, बीच में जो गुंबद बनाया जाता है, जो केंद्रीय गुंबद है, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, यानी बहुत बड़ा जो एक तरह से प्रवेश द्वार था, दरवाज़ा था, उसमें मेहराब बनाए गए थे, बहुत ऊंचा प्रवेश द्वार, पिस्तक जिसको कहते हैं, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। ये मकबरा एक विशाल और औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण आठ स्वर्गों अथवा हस्तभिष्ट की परंपरा से हुआ था, इसको एक परंपरा प्रथा जिसको कहते हैं, हस्तभिष्ट की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष आठ कमरों से घिरा होता है, यानी एक कक्ष होता है कि केंद्रीय कक्ष, जिसको मध्य का बोलते हैं,
केंद्रीय कक्ष जो होता है और 8 कमरों, उसके चारों ओर कितने कमरे होते हैं, 8, ठीक है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। पत्थर कौन सा उपयोग में लाया गया, लाल बलुआ, तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे, यानी सफ़ेद जो किनारे वाली जो भवन हैं, इमारतें हैं, वो सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। यहाँ पर देखिए, काबुल में चार बाग खाका बनाते बाबर की 1590 की चित्रकारी, ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती हैं नहरें, चार बाग योजना की विशेषता बनाती हैं। देखिए ये यहाँ पर बताया गया ना, ये ठीक है। और आगे देखते हैं चित्र नंबर 11, देखिए 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, क्या आप नहरों को देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये बनाया गया है, देखिए है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बाग हैं दोनों तरफ। ये देखिए अगला चित्र है, दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया है। देखिए सिंहासन है और इसका छज्जा, यानी इसके ऊपर ये बनाया गया है, इसको क्या कहा है, सिंहासन का छज्जा, ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए, ठीक है। जब शाहजहाँ का जो शासनकाल आया तो उन्होंने देखिए क्या किया, वास्तुकला के जो विभिन्न तत्व थे, यानी वास्तुकला में जो अलग अलग जो तत्व थे, उनको विशाल सद्भावपूर्वक, यानी सद्भावना का परिचय देते हुए संश्लेषण में मिला दिया, एक जगह उनको किया गया, ठीक है। शाहजहाँ के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, यानी बिना रुके निर्माण कार्य जो थे वो चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, यानी जो निर्माण कार्य थे अधिकतर कहाँ चलाए गए, आगरा में और दिल्ली में, ठीक है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम, यानी सभाएँ वहाँ पर होती थी सार्वजनिक और व्यक्तिगत, ठीक है। तो दीवाने खास जिसको कहा जाता था व्यक्तिगत सभा को, और दीवाने आम इसको सार्वजनिक सभा को, ठीक है। कि योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी, एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे, यानी 40 खंभों पर एक तरह से ये भवन निर्मित किए जाते थे और इनको दीवाने खास दीवाने आम कहा जाता था, ठीक है। देखिए आगे, शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए, यानी जो इसके सभा के जो भवन थे, सभागार थे, दीवाने आम दीवाने खास जो थे, विशेष रूप से ये बनाए कैसे गए, मस्जिद से मिलते जुलते, जिस तरह मस्जिद बनाई जाती है उसी आकार में, उसी से मिलते जुलते बनाए गए थे, है ना। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, यानी जब मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं तो जिस दिशा में वो मुँह करते हैं, है ना, मुँह करके बैठते हैं, खड़े होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, किबला, ठीक है, कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था, यानी जब सभा लगाई जाती थी, दरबार लगाया जाता था, तो सभी व्यक्तियों का मुँह उधर ही होता था, ठीक है। उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। जब इन बातों का हम बारीकी से निरीक्षण करते हैं, एक तरह से आकलन करते हैं, तो इस बात का हमको महसूस, एक तरह से आभास होता है कि ये जो राजा जो होता है, शासक जो है, इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन कर रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले, शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में, जो नया दरबार बनाया गया था, उसमें राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया, यानी जो न्याय था, राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत जो संबंध होते थे उन पर बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है, यानी एक तरह से ये सिंहासन पितरा दूरा जो है, ये है एक, ये कलाकारी शिल्पकारी है, उसका नाम है जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस की को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है, यानी वो इस प्रकार से वीणा वादन करता था कि जो आक्रामक जानवर हैं, शेर सिंह बाघ वगैरह, है ना,
उनको भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों को साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। यह प्रदर्शित करना उनका एक तरह से भाव था। ठीक है, आगे देखते हैं। न्याय के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी, यानी प्रारंभिक जो वर्ष थे शासन के उनमें राजधानी किसको बनाया गया? आगरा को। ठीक है, इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। यमुना नदी का जो तट था वहाँ पर विशिष्ट वर्गों ने अपने मकानों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इनका निर्माण चार बाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग, यानी नदी के किनारे होने की वजह से नदी तट बाग भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, यानी रहने का जो स्थान था निवास स्थान है वो बाग के बीच में नहीं होता था, है ना। कहाँ होता था? नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे। ठीक है, एक किनारे पर, है ना, एक छोर पर होता था। ठीक है, शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम यानी बहुत सुंदर वास्तु कलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई, यानी अपने जीवन में जो इसने बहुत बहुत सुंदर महल बनवाया एक तरह से ताजमहल, उसमें के नक्शे में नदी तट बाग यानी नदी के किनारे, है ना, योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनवाया, यानी दिशा यहाँ पर बताई गई कि जो मकबरा है वो तो नदी तट पर बनाया गया ना, और इसके दक्षिण में क्या बनाया गया? बाग। ठीक है, नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने एक वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित है। ठीक है, केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिको को ही नदी नदी तक पहुंच मिली थी, अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो ये शाहजहाँ की जो एक तरह से वास्तुकला थी, स्थापत्य कला थी, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। देखिए इसमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं। ये देखिए यमुना नदी आपको दिखाई दे रही है, ये है ना, ये यमुना नदी है। क्या है? यमुना नदी। और चित्र देखिए 1855-50 का शाहजहानाबाद जो दिल्ली में बसा गया का एक नक्शा, ये जो शहर बताया गया शाहजहानाबाद जिसको जहानाबाद बोल देते हैं, जहाँ बादशाह का निवास कहाँ है, इसमें बादशाह का निवास कहाँ है ये देखना है। शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग जामा मस्जिद ढूंढ सकते हैं? यानी इसमें ये देखिए चार बाग पत्ती अपनाई गई है कई जगह, देखिए यहाँ पर है, ये इधर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, है ना, इसमें बाग भी बहुत देखिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, है ना, चार बाग पद्धति भी इसमें अपनाई गई है। और देखते हैं ये देखिए ये यहाँ पर, है ना, ये दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, ये है जहानाबाद। ठीक है, और अगर चित्र देखिए एक नक्शे से आगरा के किनारे नदी तट बाग का पुनर्कल्पित दृश्य ध्यान देगी कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ये देखिए नदी है और यहाँ पर देखिए ये ताजमहल है और ये अन्य महल बनाए गए हैं, यहाँ पर ये निवासी स्थान बनाए गए हैं नदी के दोनों तटों पर। ठीक है, आगे एक चित्र और है उसको देख लेते हैं। ये देखिए शासक और इमारतें चित्र, आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ, ये आगरा का ताजमहल आपको दिखाई दे रहा है ना। इसमें देखिए ये बाग बनाए गए हैं, इधर यहाँ पर भी चार बाग पद्धति को अपनाया गया है, ये देखिए सीधा और ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, तो ये आपने शाहजहाँ के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। ठीक है, अगला जो बिंदु है क्षेत्र है साम्राज्य, यानी शासकों के क्षेत्र कहाँ तक थे और साम्राज्य जो थे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है,
तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।